वो मेरी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली को, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार वाइट कढ़ाई, मेरी स्टाइल में बनाना सिखाते हैं आपको। मज़ेदार ऐसी वाइट कढ़ाई आपने कहीं नहीं देखी होगी जो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। ये 1.5 किलो चिकन है, ये हमने वॉश करके रख लिए। ये 1 पाव दही है और ये क्रीम है फ्रेश, और ये मसाले हैं। ये वाइट कढ़ाई का मसाला है, इसका पैकेट ले लें एक। नमक ले लें आधा चमचा, आधा चमचा काली मिर्च हैं और तकरीबन 6 से 7 हरी मिर्चें हैं, और ये प्याज है। हरी मिर्चें और प्याज को हम पीस लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। चिकन में दही और मसाले लगा के हम मैरिनेट करके रख देते हैं, फिर इतने हम प्याज को पीसेंगे तो ये मसाले इसके अंदर जब्स हो जाएंगे। मसाले सारे इसके अंदर ऐड कर दें आप। और तकरीबन 4 चमचे लहसुन अदरक पिसा हुआ ये ऐड करेंगे हम इसमें। मसालों को मिक्स करके आप रखते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं वाइट कढ़ाई बनाने की तरह। दही के अंदर सारे मसाले ऐड करके और इसमें हमने चिकन में लगा दिए हैं। इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम रख देंगे। इतने हम प्याज को पीस लेंगे, प्याज और हरी मिर्चों को। 3 अदद ये प्याज है हमने चॉप कर लिए, इसको हम पीस लेंगे। हरी मिर्ची और प्याज को पीस लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। ये वाइट कढ़ाई के लिए है। अक्सर आपने देखा होगा कि वाइट कढ़ाई में थोड़ी ग्रेवी नहीं होती है, वो इस वजह से कि वो लोग प्याज नहीं ऐड करते हैं। तो आप प्याज इसमें ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इस तरह बना के देखिएगा मेरी स्टाइल में। हरी प्याज और हरी मिर्चें पीस लिए हमने, इसका पेस्ट बना लिया है। अब हम इसको आपको दिखाते हैं भून के। ऑयल लिया है हमने तकरीबन 1 पाव से कम है ऑयल, थोड़ा ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे इसलिए क्रीम भी ऑयल छोड़ेगी। प्याज का पेस्ट ऑयल में हम ऐड कर देंगे, इसको भूनेंगे। फिर उसके बाद चिकन जो हमने मैरिनेट, चिकन को मसाला लगा के रखा है उसको इसमें ऐड करेंगे। पहले इसको भून लेंगे। ये प्याज और हरी मिर्चों का पेस्ट हमने हल्का सा इसको थोड़ा सा भुना है, ज़्यादा नहीं भुनिएगा। अब इसमें हम चिकन जो हमने मसाला लगा के इसको रख दिया था थोड़ी देर के लिए, तो अब इसमें ऐड कर देंगे हम प्याज और हरी मिर्चियों के पेस्ट जो पीस के हमने भुनाई के लिए रखा है इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। इसके अंदर डाल के इसको हल्के आंच पे रखेंगे, इसमें ये भून जाएगा। फिर बाद में हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे, वो दिखाएंगे आपको। वाइट कढ़ाई जब भुनाई पे आ जाए तो इसमें क्रीम का 1 पैकेट हमें ऐड कर देना है। इसको थोड़ा सा चलाएं, फिर इसमें हम हरी मिर्चें और अदरक को ऐड करेंगे। ये हरा धनिया हमने काट चॉप करके वॉश कर लिया है, इसको डाल देंगे। और थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल देंगे, थोड़ा सा स्पाइसी हो जाएगा ये। और ये अदरक है बारीक हमने चॉप कर लिए, इसको भी ऐड कर देंगे इसमें। और इसको हल्की आंच पे रख देंगे, फिर आपको डिश आउट करके दिखाएंगे हम हमारी वाइट कढ़ाई मज़ेदार मेरे स्टाइल में। मज़ेदार वाइट कढ़ाई रेडी है मेरी स्टाइल में, बनाइएगा इसको। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ये आप लोगों की मोहब्बत होती है। सबसे पहले आपके पास मेरी वीडियो आएगी। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।